हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आज मैं आप सब लोगों को ब्यूटीफुल कैप टॉप बनाना बताऊंगी, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं इसे फोर फोल्ड कर लूँगी। टॉप की फुल लेंथ है 19, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मतलब 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। नेक लाइन मैंने 3.5 ले लिया है, नहीं सॉरी, नेक लाइन मैंने 3 लिया है एंड शोल्डर 3.5 और नेक की डीपनेस 5.5 होगी। आर्म होल मैंने 6.5 ले लिया है। अब मैं इसे शेप दे दूँगी और बस्ट साइज 34 है तो मैं 8.5 कर लूँगी। आर्म होल की मैंने शेप दे दी है। यहाँ मैं गले की बैक साइड का शेप दे रही हूँ, बट मैंने वो गलती से कर दिया था। फ्रंट का ही शेप जो है वही बैक का भी शेप होगा। अब मैं इसे कट कर लूँगी। टॉप को मैं स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमर की फिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं क्रॉप टॉप स्टाइल बना रही हूँ। अब मैं बैक का कट करके अलग कर लूँगी। उसके बाद मैं फ्रंट से आर्म होल की डिपनेस दूंगी। फ्रंट साइज में आर्म होल में 0.5 की डिपनेस होती है, आई थिंक ये तो सभी सबको पता होगा। ये मैंने फ्रंट की डिपनेस कर ली है, आर्म होल की डिपनेस। अब मैं फ्रेम की कटिंग करूँगी, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में होगा और डबल लेयर में होगा, तो मैं दोनों लेयर एक साथ कटिंग करूँगी। तो मैं उसे 8 फोल्ड करूँगी, 4 फोल्ड नहीं 8 फोल्ड करूँगी, क्योंकि कॉर्नर से मैं फोल्ड कर ले रही हूँ और इसकी कॉर्नर की लेंथ भी 19 ही होगी, जितना टॉप है उतना। क्योंकि कपड़े थोड़े कम पड़ रहे हैं तो 1-2 इंच मेरा कम पड़ जाएगा। अब मैं ये गले की शेप दे रही हूँ, जो जैसे टॉप का है सेम वैसे ही फ्रंट का भी। मैं रख के भी एक बार ट्राई कर ली हूँ कि ये सेम है या नहीं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। क्योंकि ये जॉर्जेट है तो ये बहुत बराबर से प्रॉपर तरीके से कट नहीं पा, फोल्ड हो नहीं पाता है, तो इसे मैं फिर से अच्छे से शेप दे रही हूँ। ये सही से कट नहीं पाया है तो मैं इसे शेप दे रही हूँ। मेरी कटिंग फाइनल हो चुकी है। अब मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊँगी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जा रहा है। अब मैं दोनों शोल्डर अटैच कर लूँगी। ये दोनों शोल्डर मेरा अटैच हो चुका है। अब मैं फ्रिल को रखूँगी गले पे और पिन की हेल्प से इसे अटैच कर दूंगी, ताकि मुझे स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। बैक नेक जो है मैंने गलती से राउंड कर दिया था, क्योंकि मुझे राउंड नहीं करना है। जो फ्रंट का है शो बैक का भी वही मुझे करना है सेम से, तो मैं इसे भी कट करके निकाल लूँगी। पहले मैं पिन से अटैच कर देती हूँ, फिर उसके बाद उसे कट करके निकाल लूँगी। ये मैंने पिन अटैच कर दिया है। पिन अटैच करने का ये फ़ायदा है कि स्टिचिंग करने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भगेगा, क्योंकि जॉर्जेट है इसलिए बहुत तेज़ी से इसकी फैब्रिक भगती है। ये आर्म होल की स्टिच मैंने ऐसे ही कर ली है, इसमें मैंने और एक पट्टी नहीं लगाई है, क्योंकि वो अंदर की तरफ रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये हमारी जो फिटिंग है मैं उसकी नाप ले लूँगी फिटिंग की, उसके बाद निशान लगाऊँगी इसे। मेरा 34 साइज है तो मैं उस हिसाब से निशान लगा रही हूँ।
चूँकि मेरे कपड़े कम थे इसलिए मैंने दो पट्टियाँ कट की हैं और दोनों एक साथ ज्वाइंट कर लिए। अब मैं इसे डोरी को पलट लूँगी। हमारी फ्रिल है उसको मैं पीको कर दूँगी। आपके पास पीको मशीन नहीं है तो आप ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर सकते हो या फिर टेलर को देके आप पीको करा सकते हो। हालांकि पीको करने के लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा इसलिए मैं पीको कर दूँगी। मैं ये बताना बोलूँ कि मेरे दो लेयर के जो फ्रिल हैं उसमें से मैं एक बड़ा और एक छोटा की हूँ। फर्स्ट 19 इंच का एंड सेकेंड 16 इंच का। मेरा टॉप रेडी हो चुका है। कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा आपको मेरा टॉप कैसा लगा। बहुत ही आसान है इसको स्टिच करना। बहुत ही कम टाइम में रेडी भी इसको पहनने पे जो लुक आ रहा है ना बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कम टाइम।